ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दौरे का जमकर विरोध किया जा रहा है। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से यहां सड़कों पर होर्डिंग लगाए गए हैं, जिसमें पूछता है ग्वालियर स्लोगन के साथ लिखा गया है कि 15 माह की सरकार में क्यों नहीं आए कमलनाथ। इस बीच कमलनाथ का विरोध कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ग्वालियर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का जमकर विरोध किया। कमलनाथ के खिलाफ नारे लिखी तख्तियों के पीछे भाजपा कार्यकर्ता कमलनाथ वापस जाओ के नारे भी लगा रहे थे और काले झंडे लहराकर कमलनाथ का विरोध कर रहे थे। कमलनाथ के ग्वालियर दौरे को लेकर सुरक्षा प्रबंध काफी सख्त कर दिए गए थे। इस विरोध पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी उन्हें रोकने में जुटी हुई है, सबने पूरी ताकत लगाई कि मैं ग्वालियर ना आऊं, लेकिन मुझे कोई रोक नहीं सकता। इस बीच पड़ाव चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पड़ाव चौराहे पर पहले से भाजपा युवा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे हुए थे। ऐसे में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का पड़ाव से गुजरना हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहां बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। भाजपा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं में टकराव की स्थिति बन गई। दोनों ओर से तीखी नारेबाजी होने लगी व बोतलें फेंकी जाने लगी। अपनी घटना को टालने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज करके इस भीड़ को तितर बितर किया। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।